पुलिस मुख्यालय द्वारा अवैध मादक पदार्थ, अवैध आग्नेयास्त्रों के विरुद्ध चलाया जा रहा है विशेष अभियान। इसी अभियान के तहत डीएसटी जोधपुर पश्चिम व कुडी भगतासनी पुलिस थाना ने की संयुक्त कार्यवाही, जिसमें सब इंस्पेक्टर की वर्दी पहने तस्कर को गाड़ी सहित गिरफ्तार किया गया। तस्कर के कब्जे से 10 किलो 100 ग्राम अवैध अफीम का दूध, 241 किलोग्राम अवैध डोडा पोस्ट, एक लोडेड देशी पिस्टल, एक एसयूवी थार गाड़ी, फर्जी नंबर प्लेट एवं न्यायाधीश, पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, मानवाधिकार आयोग आदि पद नामों की नेम प्लेट बरामद की गई। दिल्ली ग्लो न्यूज के लिए जोधपुर से संवाददाता कैलाश चौहान की खास रिपोर्ट। आज दिन में करीब 12 बजे डीएसटी टीम द्वारा ये सूचना दी गई कि कोई थार गाड़ी में कोई व्यक्ति जो कि पुलिस की वर्दी पहना हुआ है वो काफी तेजी से आ रहा है और इसमें संभावना है कि उसमें किसी भी तरीके का वो संदिग्ध लग रहा है, किसी तरह की मादक पदार्थ अथवा हथियार होने की संभावना है, जिसपे कुड़ी एसएचओ द्वारा नाकाबंदी शुरू की गई। दौराने नाकाबंदी जो गाड़ी थी वो काफी तेज गति से आई और उसने पुलिस की गाड़ी को टक्कर मारा, साथ साथ पुलिस वालों के ऊपर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की। इस पर उस गाड़ी को रोकने के लिए उसका पीछा किया गया तथा एसएचओ द्वारा उस गाड़ी के टायरों पर निशाना लगाते हुए फायरिंग भी की, बट वो मिस हो गया और गाड़ी आगे भाग गई, जिसके पश्चात कंट्रोल रूम से के द्वारा समन्वय करके जो आसपास के सभी एसएचओज हैं, जिसमें खास करके कुड़ी एसएचओ के साथ साथ विवेक विहार, बासनी, बोरानाडा, जवत, लूनी, इन सभी एसएचओज ने अलग अलग जगह पे नाकाबंदी की। जो चेतक थी उन्होंने पीछा किया और पीछा करने के दौरान ये पता चला कि ये जो है वो कल्याणपुर थाना क्षेत्र एरिया में जाने की संभावना है, जिसपे बालोत्रा एसपी साहब को भी बताया गया और कल्याणपुर पुलिस द्वारा भी सहयोग किया गया। इस पूरे सहयोग के पश्चात डीएसटी टीम द्वारा इस जो आरोपी है उसको पकड़ा गया। जब चेकिंग की गई और चीजें तलाशी गई तो ये पाया गया कि उसके पास 10 किलो 100 ग्राम अफीम मिली, 241 केजी लोडा पोस्ट मिला, साथ साथ एक पिस्टल विथ राउंड मिला और इसके अलावा उसके साथ जो कि पुलिस की वर्दी मिली, प्रॉपर पुलिस वर्दी जो होती है वो मिली है और गाड़ी में जो नंबर प्लेट लगा था वो नंबर प्लेट फर्जी पाया गया। उसके अलावा और भी कई नंबर प्लेट ऑलरेडी गाड़ी में थे, साथ साथ जो कई तरीके के नेम प्लेट थे जिसमें किसी पर पुलिस लिखा था, किसी पे एसीपी लिखा था, किसी पर न्यायाधीश लिखा था और इसके अलावा इसने और भी कई ऐसी फेक चीजें जैसे फर्जी फाइल्स वगैरह रखी थी, जिससे कि ये प्रतीत हो यदि कोई रोके या चेक करे तो उसको लगे कि वास्तव में कोई पुलिस वाला है या किसी डिपार्टमेंट से संबंधित है। तो इस तरीके से एक सातिर जो अपराधी है उसको आज डीएसटी टीम, पूरी टीम और उसके अलावा सभी एसएचओ द्वारा बहुत ही मेहनत करके लगातार पीछा करके हॉट परस्यूट में पकड़ा गया और उसको गिरफ्तार की गई, जिसमें अग्रिम कार्रवाई की जाए। फर्जी रूप से इसने वर्दी पहन रखी थी, अभी तक जो वांछित होने का उसका रिकॉर्ड पता किया जा रहा है।